हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वानिक दी हैंडमेड में दीप्ति। मैं एक ज्वेलर मेकर हूँ। आज आपको मैं कितने आसानी तरीके से आप ये कुंदन ज्वेलरी बनाओगे वो सिखाऊंगी। बनाना बहुत इजी है, बस आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कर लो और मेरे टिप्स को फॉलो कर लो, तभी आपकी ये नेकलेस अच्छे से फिनिशिंग होगी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप ये नेकलेस की वीडियो अभी तक नहीं देखे तो आप मेरे चैनल में विजिट करके ये वीडियो को वॉच कर सकते हो। देखो ये कितना प्यारा लुक दे रहा है और आई होप आप इसको बना के आप पहनोगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल में आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करो और ये वीडियो आपको कैसी लगे उसके बारे में कमेंट करना मत भूलिए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं इस नेकलेस को तैयार करने में आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए। पहले मैं ये क्रिस्टल बीड्स लिया है 4 mm की रेड कलर, और ये थंबल बीड्स लिया है मैंने स्मॉल साइज़ के, स्मॉल साइज़ के रेड कलर की मैंने ये थंबल बीड्स लिया है, और ये चांद वाली कुंदन मैंने 5 लिया है, और ये कनेक्टर 4 होल वाले ये कनेक्टर, ईयरिंग्स के लिए मैंने ये ईयर स्टड लिया है, और ये पेंडेंट लिया है मैंने। ये मेरी पुरानी ईयरिंग्स है, नीचे जो ये पेंडेंट है ना, बस इसको निकाल के मैं और एक नई पेंडेंट बनाऊंगी, इसलिए मैंने एक ईयरिंग्स को तोड़ के ये पेंडेंट इससे निकाला है। और ये सीड बीड मैंने लिया है वाइट कलर की, जंपिंग बॉल पिन, ये फ्यूज तार और गेयर वायर और टूल्स। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं ये कैसे बनती है। को ये पेंडेंट की बेस बना देना चाहिए तभी आपको सही पता चलेगा। देखो ये इसकी बेस आएगी, ऐसे ही आपको बनाना है। फिर उसके बाद मैं ये बीच में जो ऐसे दो साइड दिख रहे हैं ना, बस इसके दो साइड में मैं ये थंबल बीड्स अटैच करूँगी अच्छे दिखने के लिए। तो अटैच करने के लिए मुझे बॉल पिन चाहिए, मैं ये बॉल पिन लिया, फिर इसको बीच में ऐसे कट कर दूँगी। और नेक्स्ट जो मैंने ये सीड बीड लिया था वाइट कलर की, बस उसको पास करूँगी और ये थंबल बीड्स को पास करूँगी। और ये जो इसकी होल है, बस ये होल के अंदर ऐसे पास करके मैं यहीं पे इसको फिक्स कर दूँगी ऐसे। और जो एक्स्ट्रा वायर है बस उसको कट करना है। देखो ये ऐसे ही आएगी, देखो ये ऐसे ही आएगी। फिर इस साइड करना है, देखो और मैंने ये दोनों साइड भी फिक्स कर दिया है ये थंबल बीड्स को। फिर क्या करना है, ये तो फिर ये तीनों कुंदन को मैं इसके साथ अटैच करूँगी। अटैच करने के लिए आपको ये गेज वायर चाहिए, मैंने ये गेज वायर को थोड़ा ऐसे स्मॉल स्मॉल साइज करके कट किया है। पहले मैं ये नीचे वाली कुंदन को हैंग करूँगी इसके साथ। तो इसके लिए मुझे ये जो चांद बाल की होल है बस उसके अंदर ऐसे पास करना है। तो मैंने पास किया, फिर इस साइड इसको ऐसे खींच के लाना है आपको बाहर। और यहीं पे इसको घुमा देना तो ये अटैच हो जाएगी। चाहे आप हाथ में घुमा सकते हो, नहीं तो प्लायर के साथ भी आप घुमा सकते हो। फिर ये वायर लिया और इस होल के अंदर ऐसे पास करना है, ऐसे पास करके फिर ये होल के अंदर पास करना है ऐसे। इसको थोड़ा अच्छे से खींचना है आपको और यहीं पे अच्छे से दबा के घुमा देना है ये वायर को, तो ये फिक्स हो जाएगी। अरे देखो ये कितने आसानी से मैंने ये चांद बाली को इसके साथ अटैच कर दिया है। ऐसे ही सेम
आपको दो साइड करना है और जो एक्स्ट्रा वेयर है बस उसको आप कट करना है और बीच की और उसकी होल के अंदर ऐसे इसको प्रेस कर देना है, तो ये चिपक जाएगी और आपको बाहर नहीं दिखेगी। देखो ये कितने आसानी से बन गई। सेम आपको ये दोनों साइड अटैच करना है। मैं देखो ये पेंडेंट मेरी ऐसी आएगी, मैंने दोनों साइड ये चांद वाली अटैच कर दिया है। फिर क्या करना है, मुझे ये जो होल है नीचे, ये होल के अंदर मुझे ये जो थंबल बीड्स अटैच करना है। इसके लिए मैंने पहले ये थंबल बीड्स को लारिया बनाऊंगी, फिर उसके बाद हैंग करूंगी। तो लारिया बनाने के लिए मुझे ये बल पिन चाहिए, मैंने ये बल पिन लिया। फिर उसके बाद जो ये सीट बीड लिया था वाइट कलर के, बस उसको पास करूंगी और उसके उसके बाद ये थंबल बीड्स और ये जो मेरी टूल्स है नोज प्लायर, और उसको यूज़ करके मैं इसको लारिया बनाऊंगी। ऐसे ही सेम आपको को 15 या 16 पीस तैयार करना है। और नेक्स्ट ये जंप रिंग लूँगी और जंप रिंग के अंदर मैं जो ये लारिया लिया है गोल्डन कलर की, बस उसको पास करूँगी। पहले दो, फिर ये थंबल बीड्स, नेक्स्ट ये लारिया। और इसके नीचे हैंग करना है। पहले मैं बीच से स्टार्ट करूँगी। देखो ये ऐसे ही आएगी, ऐसे ही सेम आप इसके नीचे हैंग करना है ये थंबल बीड्स और लारिया को यूज करके। चलो मैं इसको फिनिश करके आपको दिखाती हूँ। ओके देखो ये मेरी पेंडेंट के नीचे मैंने ये बीड्स हैंग कर दिया है। देखो ये कितना प्यारा लुक दे रहा है आपको। फिर नेक्स्ट इस पेंडेंट में मैं 4 लेयर ये क्रिस्टल बीड पास करूँगी, ये गेयर वेयर के साथ। मैंने यहीं पे गेयर वेयर यूज़ करूँगी। इससे ओयर को लॉन्ग करके कट करना है, आपको 4 लेयर लेना है इसके साथ। फिर ये ओयर लूँगी। पहले मैं जो पहले वाली जो फर्स्ट वाली ये होल है बस उसको छोड़ दूँगी और इसके पास वाले होल के अंदर ऐसे मैं ओयर को पास करूँगी। ऐसे एक साइड ये ओयर और इधर ऐसे। देखो ये दोनों आसपास हो गए, बस इसको आप ऐसे बाहर निकलना है और सेम आपको ये वायर पास करना है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए किस होल के अंदर पास करके किस होल के बाहर लाना है। ऐसे ये आ गई इस साइड, देखो ये दोनों आसपास आ गए। ऐसे ही सेम आपको करना है। देखो ये मेरी 4 लेयर बन गई और ये सभी ओयर के अंदर मुझे ये क्रिस्टल बीड्स पास करना है। ओके देखो मैंने ये 4 लेयर ये चांद बली के साथ अटैच कर दिया है और सभी ओयर में मैंने ये क्रिस्टल बीड्स पास कर दिया है। मैंने ये सभी लेयर में 50-50 ये बीड्स पास किया है। तो ये 50-50 मतलब ये 200 बीड्स ये 4 लेयर में मैंने पास किया है। फिर आपको क्या करना है, जो मैंने ये कनेक्टर लिया था बस ये कनेक्टर के साथ मैं कनेक्ट करूँगी। पहले मैं ये दो कनेक्ट करूँगी। तो कनेक्ट करने के लिए आपको लग बीड चाहिए, मैंने ये लग बीड दोनों ओयर में पास कर दिया है। आप चाहे तो देखो आप चाहे तो ऐसे
ये कुंदन ऐसे ये कनेक्टर के अंदर पास करके यहीं पे लग कर सकते हैं, लेकिन यहीं पे लग करेंगे तो आपको दिखेगी तो अच्छे नहीं लगेगी फिनिशिंग लाइन। तो अच्छे नहीं दिखेगी ऊपर ये लॉक बीड आपको देखेगी तो अच्छे नहीं लगेगी, इसलिए मैंने यहीं इस नीचे लग करूँगी। तो नीचे लग करने के लिए मैंने पहले ये लॉक बीड दोनों ओयर में पास कर दिया है, फिर ये ओयर इस साइड और ये बीड्स के अंदर पास करूँगी। ऐसे और ये इस साइड ओयर में इस साइड ओयर के अंदर पास करूँगी। ऐसे देखो कितने फिनिशिंग लगी। अभी आप यहीं पे करेंगे तो ये लॉक बीड आपको देख सकती है, यहीं पे इसको अच्छे से खींच देना। ये दोनों ईयर को ऐसे अच्छे से खींचना ऐसे, और यहीं पे इसको प्रेस लगा दोगे तो ये लॉक हो जाएगी इस साइड और इस साइड। और जो एक्स्ट्रा वेयर है बस उसको कट करना है, ऐसे ही आएगी। वैसे ही सेम आपको ये दोनों कनेक्ट करना है। ये तो फोर लेयर मेरी कंप्लीट हो गई दोनों साइड। फिर क्या करना है आपको, ये डोरी अटैच करना है जंप रिंग के हेल्प से। तो जंप रिंग को मैंने ऐसे खोल दिया, ऐसे बीच वाले होल के अंदर ऐसे पास करना है और ये डोरी को अटैच करना है। ये दोनों साइड मैंने डोरी अटैच कर दी और देखो ये इसकी फाइनल लुक है। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है और कितने फिनिशिंग के साथ, देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। और ये मेरी नेकलेस बन के रेडी हो गई। और ये आप जब साड़ी के ऊपर पहनोगे तो ये आपको अच्छी लुक देगी। ये तो मेरी नेकलेस बन के रेडी हो गई। सेम आपको इयर रिंग्स बनाना है। इयर रिंग्स बनाने के लिए मैंने ये चांद वाली लिया है और ये इयर रिंग्स लिया है। ऐसे ही सेम ये बीड्स मैं इसके नीचे हैंग करूँगी। सेम आपको मैं वही रिपीट करूँगी। आपके पास जो पुराने नेकलेस है इयर रिंग्स है, बस आप इसको पहन के बोर हो चुके हैं तो आपको रीयूज़ करना चाहिए बस। ओके, वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो नीचे कमेंट कर सकते हो। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपको सही दिल से थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।